ग्रीन जल भी लग गई यहाँ पे। और गाइज मैं कर रही हूँ अपनी बहन के बाल स्ट्रेट। फाइनली गाइज 1.5 घंटे। तो आज घी संक्रांति है जो कि हमारे आज से कैसा लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी के ब्लॉग। आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत 10 बजे से। और भाई बहन तो स्कूल चले गई, दूसरी बहन कॉलेज आ रही है, आज फेयरवेल। और मौसम की बात की जाए तो मौसम आज है गर्मी हो रही है और धूप धूप लग रखी है। और ये इनके ब्रिंजल भी लग गए यहाँ पे गोल वाले पे, इस पे नहीं लगे अभी, इस पे भी लग रखा छोटा सा, तो बड़ा रखा। मिर्ची पे भी फूल लगने लग गए, अभी हुई नहीं, और इस वाली मिर्ची पे फूल लग गए। लौकी पे भी फूल लगने लगी, पता नहीं पत्ता लगती। और गाइज मैं कर रही हूँ अपनी बहन के बाल स्ट्रेट। और दिन तो यही करती है हमारे बाल स्ट्रेट, पर आज मैं कर रही हूँ। वैसे मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा, बस ऐसे कर रही इसके, इसने तो 6 महीने का बाल ले रखा। तो ये हमारा मतलब फेशियल वगैरह, थ्रेड वगैरह, बाल स्ट्रेट वगैरह कर लेती है। तो आज मैं कर रही इसका, देखते हैं। अभी तो इसके बाल ऐसे हैं ये, अब देखती हूँ कैसे कर पाती मैं स्ट्रेट। फाइनली आज 1.5 घंटे के बाद मैंने इसके बाल स्ट्रेट कर दिए। ये इसके बालों का लुक ये है, ये इसके बाल मैंने स्ट्रेट कर दिए। इसके बाल थोड़े मोटे मोटे फिजी सी है, तो ये है मैंने कर दिए वैसे ये इसके बाल स्ट्रेट। ये इसका फाइनली लुक स्ट्रेट करने के बाद बालों का। और ये जाएगी इसका फेयरवेल है, इसने गॉगल्स वगैरह पहन रखे, सन ग्लासेस, और अब जाएगी ये कॉलेज फेयरवेल में। तो ठीक है, आराम से जाना भाई, इन्जॉय योर डे। तो अभी हो गए 12:15 और बहन भी फाइनली तैयार होके चले गए कॉलेज, और दूसरी बहन आ गई घर क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे थे, ये जल्दी आ गई इसलिए घर। दीदी भी आ रखी अभी ऊपर, तो अब मैं काम वूम करती हूँ थोड़ा। अब तो बहन भी आ गई तो वो भी करेगी हेल्प। और आप सभी को घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। घी संक्रांति है जो कि हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर भी बोला जाता है उसको, ट्रैक्टर के रूम में मनाया जाता है। और जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो पितर के लिए जैसे अपने घर के कद्दू की सब्जी, पथूर बनाते हैं अरबी के पत्तों के, यानी कि पिंडालू के पत्तों के, और ककड़ी खीरा जो भी होता है, मतलब जो जो घर की सब्जी होती है तो उस चीज़ का बनाया जाता है। अभी बज के दिन के 1:30 और अभी भाई भी आ गए घर, खाना पीना तो बहन बना ही रही है। दूसरी अगर 4-5 बजे आएगी फिर उड़ा। और इससे मिला एक नाम स्कूल से, क्या मिल रखा तेरे को? कैडबरी का सेलिब्रेशन वाला वो चॉकलेट का, इसको मिल रखा ये कैडबरी, इसने पार्टिसिपेट किया था ना, इसलिए मिला था। खोल इसको फटाफट। इसके अंदर डेयरी मिल्क, 2 डेयरी मिल्क जेम, 3 जेम्स, 3 डेयरी मिल्क, सॉरी 3 डेयरी मिल्क, 2 पॉइंट। आज तुझे कैसा लग रहा था तुझे गिफ्ट मिला? मेरा दिल गार्डन गार्डन सो रहा है। अच्छा, और कुछ एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट। पहली बार तेरे को गिफ्ट मिला कुछ स्कूल से? पहली बार नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बार मिला। और बहुत मोटिवेशन मिली मुझे जब सबके सामने मुझे गिफ्ट मिला, तो और मोटिवेट हो गया मैं, उससे अगले साल में और बेस्ट करने का ट्राई करूंगा। अच्छा, फिर अगले साल में और बेस्ट दूंगा। तो 15 अगस्त के दिन क्या पार्टिसिपेट किया था, जो जो गिफ्ट मिला आपको? मैंने एंकरिंग की थी, होस्ट किया था, मतलब पूरी वो इंडिपेंडेंस डे को, तो उसके उपलक्ष्य में मुझे मिला। वेल डन, कीप इट अप। अभी बज रही शाम की 5 और मैं तो सो के उठी हूँ। अभी मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी थोड़ी, ऐसे आँख लग गई और सो के उठ रही हूँ अभी। तो मैं आई बाहर देखा तो मौसम तो मतलब बहुत ही प्यारा हो रखा यार, मतलब बारिश वाला हो रखा। बारिश तो हुई अभी नहीं, हुई नहीं खैर अभी, तो ये हवा चल रही थोड़ी, बहुत प्यारा मौसम हो रखा हुआ। मुझे लग रहा बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे जिमी ने भी रोटी छोड़ रखी है, दूध और रोटी दी थी उसको, इसने पता नहीं क्यों नहीं खाई। अरे खाएगा शायद, भूख नहीं थी। हमारा दूध का खाना खुला भी हो गया था। और फेयरवेल वाली बहन भी आ गई, वो थोड़ी देर पहले आ गई थी शायद, मैं तो सो ही रखी थी। मैं अभी उठ रही हूँ,
चलो इसको पूछते हैं कि इसका फेयरवेल कैसा रहा। और इसके अलावा ये तो हर काम कर रही, होमवर्क कर रही, अरे पढ़ाई कर रही, इसके टेस्ट चल रहे और भाई चाय बना रहा। इसको पूछते हैं, ये फ़ोन पे लगी हुई है अभी, मतलब थोड़ी देर पहले घर पहुँची। और कैसा रहा आप, किस तरह चल रहा है? मस्त रहा। क्या क्या तुमने फेयरवेल में डांस भी किया? अच्छा पार्टिसिपेट भी किया था किसी ने? अरे 200 दी थी इसमें कॉलेज से, इसलिए कॉलेज गई फेयरवेल खाने। और ये क्या बोलते हैं, अच्छा और तुमने खा रहे, खाने में क्या खाया था फेयरवेल में? खाने में छोले चावल सब्जी और पूरी भी, रायता था, सैलेड था, बस इतना ही था और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट भर के खा लेना ना, 200 रुपये वसूली थी। अच्छा 200 उसने था। अच्छा अच्छा चलो, तुमने अपने सीनियरों को मतलब विदाई दे दी है, चलो बढ़िया बढ़िया। चलिए ये तो पढ़ी रही, पर आपको बच्ची इसको डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा। अब ले चलते हैं आपको किचन की ओर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? चाय बना रहा है अभी। आयुष चाय बना रहा जी, और चाय के साथ क्या क्या कर रहा तू? ओ ये भुट्टा भी इसने दो भुट्टे भी तैयार कर दिए भाई। चला जरा फिर का, और चाय भी बन गई इसकी, बाहर चाय। ठीक है ठीक है, तो चाय अक्सर यही बनाता भाई, भाई हम कर रहे हैं चाय का वेट। अभी चाय लाएगा भाई, उसके भुट्टे भी रोस्ट कर दिए और लाएगा वो भुट्टे, अब खाएंगे भुट्टे चाय के साथ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और बाहर तो बारिश भाई बहुत तेज हो रही है। बारिश मतलब एक घंटा हो गया लगभग, बारिश होती जा रही है। और हमारा डिनर तो बन गया, बन रहा है मतलब, बहन रोटी बना रही है और हमने बनाया है डिनर में। चलिए ले चलते हैं आपको किचन की ओर। तो हमने बना रखी है खीर, आज घी संक्रांत है ना, तो ये हमारी बन रखी है खीर। इसमें तो मतलब ये अच्छे से बन रखी मस्त है। और ये बन रहे हैं पथूर, अभी गैस क्यों था। कम ही बना रही हूँ थोड़ा ही, खाने में टेस्टी होते हैं, बन गए हमारे पशु। तो बस गाइस अब बहन रोटी बनाएगी और हमने कद्दू की सब्जी भी बना रखी है। तो उसके बाद क्या है, बस डिनर डिनर करते हैं, अब डिनर करेंगे उसके बाद तो सो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बनाए रखें।